राव यादवेंद्र जी हमारे यहां के वर्तमान के मंत्री के बारे में बात कर रहे थे, धंधे चल रहे हैं रेत के, रेत तो छोड़ो गरीबों का अनाज भी नहीं छोड़ा। मुंगावली के वर्तमान विधायक राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कहे जाते हैं, जिन्होंने वर्ष 2020 में सिंधिया के साथ पाला बदलकर भाजपा का दामन थामते हुए भाजपा की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। मुंगावली विधानसभा से दो बार चुनाव जीत चुके बृजेंद्र सिंह ने वर्ष 2017 के उपचुनाव में बाई साहब यादव को चुनाव हराकर प्रदेश भर में अपनी पहचान बनाई थी। एक बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। भाभी को हराने के बाद बृजेंद्र सिंह का मुकाबला भतीजे से है, जिनके बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह के भतीजे हैं, जो अपने चाचा के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। 3 माह पहले ही कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले यादवेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर अपने लश्कर के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। दोनों प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। तो मैं पहले उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक भी आरोप आप बता दें, और आपके ऊपर तो सिद्ध है, आपके ऊपर तो 10 करोड़ 26 लाख का गमन है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर तो जुर्माना हुआ है, आपका हमारे कांग्रेस प्रत्याशी का स्वयं का भी उसमें नाम है। अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा का इतिहास कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस का रहा है। पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय देशराज सिंह यादव ने अशोकनगर और गुना जिले में भाजपा को स्थापित किया था। पूर्व विधायक श्री यादव ने भाजपा के मैंडेट पर 2 चुनाव लोकसभा के लड़े, तो वहीं 3 चुनाव विधानसभा के लड़कर मुंगावली को दिल्ली तक पहचान दिलाई थी। देशराज सिंह के निधन के बाद मुंगावली में भाजपा मिश्रित रूप से उभरकर सामने आई है। मुंगावली विधानसभा में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 40,000 यादव, 30,000 दलित, 25,000 लोधी और 15,000 ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम, दांगी, कटारिया और राजपूत मतदाताओं की भी संख्या चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव की पहचान स्वर्गीय राव देशराज सिंह की जनसेवा और क्षेत्र के विकास से बनी है, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह यादव ने प्रदेश सरकार में पीएचई मंत्री का दायित्व निभाया और प्रदेश में जल जीवन मिशन को क्रियान्वित कराया। अब देखना है कि मुंगावली में चाचा भतीजे की इस टक्कर में आखिर कौन बाजी मारता है। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने अगर अन्याय किया, मैंने अगर गलत किया, तो उसका जवाब जनता मुझको देगी। अगर उनने किया है तो जनता जवाब उनको दे देगी।